स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी योर स्टैंडर्ड 7th इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक्स फर्स्ट लेसन. इट इज़ अ पोएम नेम्ड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. दिस इज रिटन बाय एमिली ब्रॉन्ट. नाउ वील स्टार्ट विद दिस. टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी. नाउ व्हाट दिस मीन्स कि टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी. यानी टेल मी यानी मुझे बताओ. स्माइलिंग चाइल्ड मीन्स अ चाइल्ड हु इज स्माइलिंग. स्माइलिंग इज द एडजेक्टिव चाइल्ड विच इज यूज टू डिस्क्राइब द चाइल्ड. वॉट इज द चाइल्ड डूइंग स्माइलिंग. वॉट द पास्ट इज लाइक टू दी. पास्ट मीन्स पास्ट टेंस. एवरीबडी नोज वॉट इज हैपेंड बिफोर टाइम बिफोर द प्रेजेंट. द दैट टेंस इज कॉल्ड पास्ट. मीन्स वॉट इज ऑलरेडी हैपेंड इन द टाइम दैट हैज पास्ट. What the past is like to thee. यानी पुराना टाइम तुम्हारे लिए कैसा है. दी मीन्स टू डिस्क्राइब यू मीन्स किसी और को. An autumn evening soft and mild with a wind that sighs moonfully. An autumn is a season. Which season? Whenever like autumn is a period when all the trees they shed their leaves. And the weather is very pleasant. So autumn is generally after the winter in India, before the summer. Like all the trees, they begin to shed their leaves, and like the weather is very quite pleasant. So an autumn evening is used to describe a very pleasant time where all the like it's autumn, the weather is pleasant, soft and mild. So autumns are generally soft and mild the weather. So soft and mild with a wind that sighs moonfully. Wind yani hawa that sighs moonfully. Sighs means like moonfully means mooning is like crying. It is like being sad or upset over something. Yani koi cheez ko leke dukhi hona ya udaas hona usko mourning bolte hain. With a wind yani ek hawa ka jhatka jo that sighs moonfully. यानी इट सीम्स दैट द विंड सीम्स लाइक इट इज साइंग मूनफुली. टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट आर. अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई. फिर उसने कहा टेल मी यानी मुझे बताओ व्हाट इज द प्रेजेंट आर. यानी अभी प्रेजेंट आर मीन्स यानी अभी का टाइम. व्हाट इज the time in which you will be studying all this. Like present means what is happening now. ye moment pe kya ho raha hai main aapko padha raha hu to wo present hai. present means abhi ka kaal. what is the present hour yani abhi ka time kaisa hai. a green and flowery spray yani ek hara aur phoolon se bhara hua spray. spray yani pani jab hum chhidakte hain usko spraying bolte hain. एक हरा और फ्लावरी यानी फूलों से भरा स्प्रे. वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर यानी इधर जैसे दिखाया है. यंग बर्ड यानी एक छोटा पक्षी छोटा बर्ड यानी जैसे पिजन होती है कुकू होती है. तो एक यंग बर्ड यानी एक छोटा पक्षी बैठता है. गैदरिंग इट्स पावर यानी वो ताकत इकट्ठा करता है सारी. टू माउंट एंड फ्लाई अवे ताकि वो उड़ान भर सके और उड़ सके. यानी एक पक्षी एक छोटा पक्षी जो बैठता है और सारी ताकत इकट्ठा करता है यानी हाथों पैरों से ने उसके पंखों उसको हाथ नहीं होते उसके पंख और उसके पैर ताकि वो उड़ान भर सके. माउंट मीन्स चढ़ना ताकि वो चढ़ सके और उड़ सके. एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन यानी एंड व्हाट इज द फ्यूचर यानी एंड व्हाट इज द फ्यूचर यानी फ्यूचर का टाइम यानी जो आने वाला है जो अभी तक हुआ नहीं है यानी जो आगे होने वाला है जो हम किसी को नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है वो फ्यूचर है. जैसे कल हो गया परसों हो गया ये सब फ्यूचर. एक घंटे बाद आधे घंटे बाद एक मिनट बाद जैसे एक मिनट बाद दो मिनट बाद मेरा लेसन पढ़ा के हो जाएगा तो वो फ्यूचर में है. अभी तक हुआ है क्या मेरा नहीं. फ्यूचर यानी जो हुआ नहीं है जो आगे के समय में होने वाला है. व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन यानी और फ्यूचर कैसा है हैप्पी वन. अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन. अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इन टू इन्फिनिटी. अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन यानी समुंदर. बीनीथ यानी नीचे.
अ क्लाउडलेस सन, यानी सूरज के नीचे एक एक बहुत बड़ा सी, बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, सन का एडजेक्टिव क्या है, क्लाउडलेस, यानी बादल नहीं है, यानी एक समुंदर, एक क्लाउडलेस यानी बिना बादल के सूरज के नीचे, अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी, डैजलिंग यानी बहुत ही आकर्षित, यानी चमकता हुआ, उसे डैजलिंग बोलते हैं, माइटी यानी विशाल काय, बहुत ही माइट से भरा हुआ, ग्लोरियस, ग्लोरियस इज ऑल्सो पॉजिटिव एडजेक्टिव, अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी, यानी एक बहुत ही बड़ा माइटी डैजलिंग यानी चमकता हुआ समुंदर, स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी यानी यानी अब हम समुंदर के बीच में होते हैं तो दूर दूर तक कहीं भी ज़मीन नहीं दिखती है, तो उसको वो सिंपली यानी ये सिग्निफाई कर रहा है स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी एंडलेस, यानी हम समंदर के किनारे जब बैठते हैं तो समंदर का एंड नहीं दिखता है हमें, यानी वो जाते ही जाता है, जाते ही जाता है, तो स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, यानी समंदर ऐसे कभी ख़त्म नहीं होता, स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, ये पोयम यहाँ पे ख़त्म होती है। दिस इज़ रिटन बाय एमिली ब्रॉन्ट।